नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज सागर जिले से आ रही। सागर के शिवाजी वार्ड से एक घटना सामने आई है जी, यहाँ जहाँ पर शुक्रवार तड़के एक सिरफिरे युवक ने पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए चाकू से उसकी नाक काट दी है। बहुत ही शर्मनाक घटना ये घटित हुई है सागर के शिवाजी वार्ड में। और इस पूरी घटना के बाद पति ने फिनाइल पीने की भी कोशिश की है, जिससे खुद बेहोश हो गया है। और इस पूरे मामले में बेटे ने थाने में सूचना दी है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोपालगंज पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। FIR दर्ज करके देर शाम ये केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार रात को इन दोनों के बीच विवाद हो रहा था, पति पत्नी के बीच, और शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे की घटना बताई जा रही है, जिसमें प्रमोद नामक व्यक्ति ने सोते समय अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया था। पहले उसने पत्नी की नाक काटी, जिससे नाक के आगे का हिस्सा कट गया। इसके बाद उसने उसके कान काटने का भी प्रयास किया है। मुंह पर भी चाकू के निशान हैं, हालांकि कान कट नहीं पाए। खून से लथपथ पत्नी ने मदद के लिए आवाज़ लगाई, पड़ोस वाले भी आ गए। इसी बीच प्रमोद घर में रखी फिनाइल पीकर जान देने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। रात में एक घटना हुई थी, मैं महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसमें FIR की गई है। महिला के द्वारा बताया गया कि चरित्र संदेह को लेकर उससे झगड़ा हुआ था, जिसके कारण पति ने उसको चाकू से नाक पे, हाथ पे और चेहरे पे वार किए, जिस पर से FIR ली गई है। ग्राम पंचायत तिदौनी से सरपंच एवं मध्य प्रदेश सरपंच संगठन के अध्यक्ष श्री सौमेश गुप्ता की ओर से समस्त क्षेत्र एवं प्रदेश वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आपका स्वागत है। मेरे पापा के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं।